किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो कपास की फसल के अंदर विल्ट रोग आता है उसके ऊपर संपूर्ण बात करेंगे। किसान भाइयों, कपास के अंदर दो तरह की विल्ट आती है, एक फिजेरियन विल्ट होती है और एक पैरा विल्ट रोग होता है। पैरा विल्ट कब आता है? पैरा विल्ट जब अति अधिक बारिश हो गई है या आपने बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस स्थिति के अंदर सिंचाई, भरवीं सिंचाई कर दी है, अच्छी पानी की मात्रा दे दी है, तो जैसे ही 3 या 4 अगले दिन बाद और धूप पड़ेगी, अच्छी धूप निकलेगी या बारिश होने की स्थिति में अच्छी बारिश होगी उसके बाद धूप निकलेगी और जो है पानी देने के बाद जो धूप निकलेगी उसके बाद फसल क्या होती है, अचानक मुरझा जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख पा रहे हैं, फसल एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे जड़ों से पौधे को हमने उखाड़ दिया है, तो पौधा एकदम झुलसने लगता है और देखते देखते अगले 4 या 5 दिनों के अंदर पूरी का पूरा जो खेत है वो झुलसने लगता है। तो इसे कहते हैं पैराविल्ट, ये होती है पैराविल्ट। इसका नियंत्रण कैसे करें उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। और एक होती है फिजेरियन विल्ट। फिजेरियन विल्ट जैसा कि हम बात करते हैं कि जो पिछली वीडियो हमने डाली थी कि जो पकी पकाई फसल है एकदम लास्ट में झुलस मार जाता है, ऐसे लगता है कि फसल एकदम से शॉट मार गई है, पत्ते एकदम लाल और पीले हो गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर पत्ते देख पा रहे हैं, एकदम पत्ते जो लाल और पीले हो जाते हैं और फसल में ऐसे लगता है जैसे धुआं निकल गया, आग निकाल दी हो, फल और फूल ड्रॉप हो जाते हैं, टिंडे जो है छोटे छोटे सिकुड़ जाते हैं, उसे फिजेरियन विल्ट बोलते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी हम पीछे मैं वीडियो डाल चुका हूँ, फिजेरियन विल्ट के ऊपर आप देख सकते हैं। तो आज हम पैरा विल्ट की बात करेंगे। किसान भाइयों, पैरा विल्ट का नियंत्रण कैसे करें? फिजेरियन विल्ट का मैं डाल चुका हूँ, पैरा विल्ट की अगर बात करें जो स्क्रीन के ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो झुलस जाती है कपास, उसके लिए किसान भाइयों आप क्या करें, आपको जो एक कोबाल्ट क्लोराइड आती है वो पेस्टिसाइड दुकानों पे मिल जाएगी, जो खाद विक्रेता होते हैं उनके पास मिल जाएगी, वहाँ पे आपको 25 से 30 ग्राम पर ग्राम के हिसाब से इसका मूल्य होता है, बहुत कम होता है। और या फिर आप जो कृषि विभाग का दफ्तर होता है वहाँ पर आप जा सकते हैं, जो खेतीबाड़ी विभाग होता है, कृषि विभाग के दफ्तर होते हैं, वहाँ पर भी आप जाकर इसे हासिल कर सकते हैं। जहाँ पर कॉटन है वहाँ के अंदर सरकार की तरफ से इसे जो है कृषि विभाग के दफ्तरों में प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल फ्री होती है, कोई पैसा नहीं लगता है अगर कृषि के अंदर से आपको मिल जाती है। तो अगर आप पेस्टिसाइड दुकानों से लेते हैं तो 1 ग्राम का मूल्य लगभग 20 से 25 रुपये या 30 रुपये हो सकता है। 2 ग्राम आपने डोज रखनी है इसकी, प्रति 1 एकड़ के हिसाब से ऊपर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर दें। और एक आप क्या करें कि 3 से 4 ग्राम पानी के अंदर घोल बनाकर नीचे ड्रिप एरीगेशन से या कैसे भी, या पानी की सिंचाई करें तो नीचे भूमि के अंदर भी इसको दे दें, 100% गारंटी से आप इस पर कंट्रोल पा सकेंगे। इसके ऊपर पिछले साल भी मैंने वीडियो डाली थी, इस बार भी डाल चुका हूँ। बहुत सारे किसानों के कमेंट आए थे कि किसानों की फसल एकदम मरी हुई दोबारा जीवित हो उठी और दोबारा फसल चेकने लगी, ये 100% सॉल्यूशन, बहुत अच्छा है। किसान भाइयों, अगर आपको कोबाल्ट क्लोराइड नहीं मिल रही है तो आप कार्बोडिज्म प्लस मैनकोजेब का 2 से 3 छिड़काव करें, और अगर ये ना मिले तो कार्बोडिज्म से बेटर अगर मैं आपको बताऊँ तो अपने टेबुकोनाजोल होती है 25%, उसकी आप 200 ग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से ऊपर छिड़काव कर दें और 300 से 400 ग्राम प्रति 1 एकड़ नीचे सिंचाई के अंदर दे दें, 100% आपकी फसल ठीक हो जाएगी, संपूर्ण ये रोग आपका कंट्रोल में हो जाएगा। तो ये थी किसान भाइयों पैराबिल्ट की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।